हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया। आज है 2 तारीख और गांधी जयंती है। खैर, कल है मेरी बेटी का बर्थडे और आज उसे जाना है कॉलेज, मतलब आज रात में निकलेगी तो कल सुबह वो पहुँचेगी। तो सबसे पहले नाश्ते में बनेगा अप्पे, क्योंकि मिस्टर वी का कहना था कि माँ अप्पे बना दो, ढेर सारी सब्जी डाल के। तो घर में जितनी भी सब्जियाँ हैं वो सारी सब्जी डाल के मैंने ये अप्पे का बैटर तैयार कर दिया है और अब बनेगा ये अप्पे गर्मा गर्म। और फिर खाने में बनाऊंगी मैं पालक पनीर, ताकि उसका जो मन है ना, उसे जो चीज़ पसंद है वो खा ले। शाम की ट्रेन है, पूरे दिन कैसे क्या होता है वैसे उसकी तैयारियाँ तो सारी कंप्लीट है। सामान तो ऑलरेडी पहले पहुँच गया था, आज उसे जाना जाना है तो उसके पास एक बैग रहेगा, बस भैया उसे छोड़ने जाएगा। तो इस तरीके से आज का जो दिन है ना वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज, बहुत ही बिजी पूरा टाइम रहने वाला है, तो पहले तो मैं अप्पे बना लेती हूँ। पालक पनीर बनानी है तो मैंने पालक उबाल ली, उसमें से अदरक लहसुन और हरा मिर्च डाल दिया। अब इसे पीस के रख देती हूँ, जब तक अप्पे तैयार होंगे तब तक पनीर भी बन जाएगी, चावल भी बन जाएगा और अगर कुछ सूखी सब्जी बनानी होगी तो वो भी बन जाएगी, रायता भी बन जाएगा। मतलब जब तक ये नाश्ता तैयार होगा तब तक खाना आधा रेडी हो जाएगा। इस समय मेरा ना ये बायां हाथ बहुत चलने लग गया है, बहुत काम करने लग गया है, इसकी वजह से ना इसी का इस्तेमाल होता है। जैसे ये ना, इसमें मुझे दिक्कत होती है लेकिन अब इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से जब तक बच्चे आएंगे तब तक बन जाएगा ये नाश्ता। सारा दिन पूरा बहुत बिजी था, बच्चे तैयार हो गए, मम्मी आ गई थी तो इनको टीका करेंगी, चरणामृत पिलाएंगी और फिर इन्हें घर से बाहर जाने देंगी, क्योंकि जब भी इन्हें कहीं जाना होता है तो मम्मी ज़रूर आ जाती हैं इनको भेजने के लिए। दोनों अपने अपने ट्रेन की लोकेशन चेक कर रहे हैं और तैयार हो गए जाने के लिए। अच्छे से आना है, बच्चे गए तो मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आ गई इन कोलू मोलू गोविंद माधव के पास। और माधव हमारा इस समय पढ़ाई कर रहा है, पता नहीं कितनी पढ़ाई करते हैं, जाने कितना पढ़ते रहते हैं। तो रात भर 7 बजे फ़ोन करके पूछना है कौन कहाँ गया। क्या पढ़ रहे भैया माधव? 1 2 3 इतनी सुंदर राइटिंग में, वेरी गुड। आत्मा हम 4 दिन के लिए आए, हम 4 दिन यहीं रहेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत तुम्हें? अपनी मामा से कपड़े दिला देना तो हम पहन लेंगे, नहा लेंगे और तभी मामा खाना बना देगी तो हम खाना खा लेंगे, ठीक? खुश? ओके? बच्चे घर से बाहर गए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था,
फिर मैं यहाँ आ गई गोविंद माधव पास, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। थोड़ा क्या, अब तो बहुत ही अच्छा लगेगा। माधव तो मेरा बहुत ही बतूना है, एकदम बातों की दुकान, बड़ा मन में होता है बातों से, एकदम जाने कहाँ कहाँ की चीजें लेके आता है। तो ये दोनों भाई आराम से बैठ के खाना खा रहे, मैं इनका वीडियो शूट कर रही हूँ। अब देखते हैं मेरे दोनों क्या कर रहे हैं। तो इनकी ट्रेन आ गई और ये इस ट्रेन में बैठ के जाएंगे कानपुर, फिर वहाँ से पकड़ेंगे गोरखपुर की ट्रेन। थोड़ा सा अच्छा नहीं फील हो रहा है, लेकिन जब बच्चों के भविष्य की बात आती है तो आपको सेक्रीफाइस समझौते करने होते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो क्या करोगे, बच्चों को घर पे बैठाए रखोगे। तो आज मेरे लिए भी वो दिन है, फाइनली बेटी का भविष्य सिक्योर हो गया और मैं भी सुकून में हो गई। तो इस ट्रेन में मेरे बच्चे बैठेंगे और जाएंगे कानपुर। आप लोग अपनी बेस्ट विशेष मेरे बच्चों के लिए देना। हरे कृष्णा, राधे राधे। हमसे पूछ रहे बुआ आप कितने दिन के लिए आई हो, बुआ एक घंटे के लिए आती चली जाती है। आज हम कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे 4 दिन, तो बहुत खुश है। सो गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आज थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है, सब भैया।